22 का छात्र हूँ और मेरा सेंटर श्री गंगानगर आर्मी पब्लिक स्कूल में आया है। तो जैसे ही हमें 11 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था तो मैं 11 बजे सेंटर पे आ गया और मेरी एंट्री लेके अंदर पहुंचा दिया गया मुझे क्लासरूम में, और मेरे को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2 बजे। तब तक बिल्कुल सही चल रहा था, पर आधे घंटे बाद मुझे बताया जाता है कि तुम्हारे पास इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास बायलिंगुअल पेपर आया है और हिंदी वालों को इंग्लिश चला गया है, तो तुम्हें अपना पेपर वापस देना पड़ेगा। तो आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका और मैं ऑलरेडी टिक कर चुका उसमें आंसर, तो वो बोल रहे हैं कि तुम अपना पेपर वापस दो। तो मैं उसको कैसे वापस दे दूं जबकि वो चीटिंग मानी जाएगी कि मैं अपने आंसर सुने दे रहा हूँ अपने पेपर में टिक करे हुए। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पे मैंने आवाज उठाई तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अपना पेपर दीजिए। फिर 4:30 बजे फिर से वो आते हैं और कहते हैं कि तुम सारे अपनी OMR दो और सारे अपनी सब कुछ दो और हम तुम्हें नया पेपर देंगे और नया OMR देंगे। मैंने कहा ये किस बात की मतलब तुम्हारी है कि तुम नहीं OMR दोगे, ऑलरेडी इतना टाइम चल चुका है और तुम वापिस से पेपर सॉल्व करने को कह रहे हो। तो कहते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देंगे, चाय समोसा देंगे और तुम 8 बजे बैठ के आराम से पेपर दो इधर बिल्कुल बढ़िया। तो मैंने कहा मैं इसका बिल्कुल भी जाऊंगा नहीं, और मैंने अंदर से सेंटर से उनके प्रिंसिपल से मिला, प्रिंसिपल जी कह रहे हैं कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम मेरे को फोन कैसे रहे हो ऐसे। और मैंने अपने पिताजी को फोन वहीं से लगाया और प्रेस को फोन कराया, अभी सारे पेरेंट्स सारे